ग्यांगस्टर राजा आचार्य गिरफ दादापटी आदाय अभियोग गिरफ कला कमिश्नरेट पुलिस कैपिटल थाना चली जेरा द्वितीय नगरी को दादापटी मुक्त करने पदक्षेप कहा को मिलिबो कोरोना टीका अग्राधिकार भितर 30 कोटी लोकों को टीका देवा देश में चिन्हट प्रक्रिया आरंभ कोरोना योद्धा सहित तो फोकस 50 वर्ष अधिक वयस्क भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी पलाशपल्ली ऑफिस सिल खोलिला बीएमसी टीम हाथलेखा कागज और ऑफिशियल चिठी को नहीं चली हाई ड्रामा सांसद कहे ऑफिस सिल करा बेआईन आज राज्य में 2196 नुआ पॉजिटिव 17 जनों मृत्यु सेपटे देश में कमुची संक्रमण अक्टोबर प्रथम 15 दिन में संक्रमण संख्यार 18% ह्रास मृत्यु संख्या कमिला 19% कटक तेलंगा पेठे दुर्घटन आसी सीसीटीवी चित्र भारसाम्य हर रात्रि राजपथर केनाल भितर को खसीगला कार तीन मृतकों भितर पूर्वतन मंत्री अमर प्रधान पुओ अंकुर नीलगिरी संदिग्त वस्तु को नहीं आतंक जरी पैकेट भितर मिलला बेलून सहित बैटेरी और टावर तार मेड इन इंग्लैंड सामग्री को नहीं चर्चा जबत सामग्री को जांच पर चांदीपुर पठाइला पुलिस कोरोना काल में नवरात्रि शारदीय पूजा को नहीं सबुठ उत्सव परिवेश आज प्रथम दिन में शैलपूर्ति बेस दर्शन देखते मां गंजाम घरे रही पूजा करने जिलापा परामर्श नमस्कार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सहित ओडिशा द्वीपर को स्वागत करुच्छे समय बुलेटिन आरंभ करने बर्तमान समय सबुठ बड़ खबर गैंगस्टर राजा आचार्य गिरफ दादापटी आदाय अभियोग गैंगस्टर राजा आचार्य को गिरफ कर कमिश्नरेट पुलिस गिरफ पर कैपिटल थाना रे राजा आचार्य को हाजर कर पचराउचरा कर द्वितीय नगरी को दादापटी मुक्त करने पुलिस पक्ष जोरदार प्रयास गतकाली कमिश्नरेट पुलिस दादापटी को ना नाम एक कार्यक्रम आरंभ कर दादापटी आदाय करे से तड़ीपार करने सहित से विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान कमिश्नरेट पुलिस आह्वान देते तेज आज गैंगस्टर राजा आचार्य गिरफ होती दादापटी आदाय अभियोग गैंगस्टर राजा आचार्य को गिरफ कर कमिश्नरेट पुलिस जो भाव में गत काली कमिश्नरेट पुलिस दादापटी को ना नाम एक कार्यक्रम आरंभ कर दादापटी आदाय करे से तड़ीपार करने सहित से विरोध में कड़ा कार्यानुषानी कमिश्नरेट पुलिस आह्वान देते सर सर अधिक आलोचना करने प्रतिनिधि सौभाग्य परिडा आम सहित जोड़ी होती सौभाग्य बड़ कथा कि गत काली कमिश्नरेट पुलिस पक्ष आह्वान दिया जाए कि दादापटी को ना नाम एक कार्यक्रम आरंभ कर जो मैंने दादापटी दौंट नौ कड़ा कार्यानुषान ग्रहण कर जो मैंने ना विषय कहे से पुरस्कृत हो गोपन रखा तेरे यार भितर बड़ सफलता मिली राजा आचार्य को गिरफ कर दादापटी मामलें विस्तृत सूचना कौन रखुच्च सौभाग्य निश्चित भाव देखु बर्तमान जोटा बड़ खबर आसूसी बर्तमान गैंगस्टर राजा आचार्य को हाथकड़ी पिंधाई कैपिटल थाना पुलिस एवं अभियोग रही जे जड़े व्यक्ति को जोर जबरदस्त बटी मगुले बर्तमान सुधा गिरफ्तार कहीं आप जानते गत कालीर जो प्रेसमिट रही पुलिस कमिश्नर दादापटी को ना बोली कहला जो मैंने दादापटी मागे जो मैंने निजर क्रिमिनाल आक्टिट रखिए से गिरफ्त हो विरुद्ध कार्यानुषान ग्रहण करो व्यक्ति मान जो व्यक्ति मैंने निजी सुरक्षित मनु ना धमक आसूसी आप कहे आपण को जीवन प्रति धमक जीवन प्रति विपद रोचे धमकाउं से सीधा सड़क पुलिस कमिश्नर पाखक जापरेंगे सीधा सड़क लोकाल इन्स्पेक्टर सहित कथे कितु जो अभोग आसला अभोग आसापर सीधा सड़क पुलिस गोटे कार्यानुषान ग्रहण कला और बर्तमान सुधा गैंगस्टर राजा आचार्य को गिरफ्त कर आडभकेट जी रही बन महांती रही बर्तमान सुधा पुलिस सहित आलोचना कर एवं से आसी पचारापाई जे प्रकृत कौन पाई आरेस्ट करपाई से आसारापाई तेरे गोटे कथा कह पार थाना परिसर में बर्तमान सुधा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर पुलिस व्यवस्था बढ़ा जा अधिक फोर्स बर्तमान मृतन होती
जो खबर आसुची वर्तमान राजा जो राजा को जो वर्तमान गिरफ्त कर राजा सहित आउ दुज सहयोगी गिरफ्त कर मोट तीन जन अभियुक्त को वर्तमान पुलिस गिरफ्त कर राजा बाइक को जबत कर गोटे सार्क वेपन को जबत कर जो अभियोग आसुची गोटे सरकारी जमीन जो मैंने दुकान करतीस मत ये टाँचा देवाई कहते एकाधिक अभियोग आसी जड़े जे कम्प्लेन अच्छा कहवा कथा हूँ से 20,000 टाँचा मसक मागुले 20,000 टाँचा बटी मागिक बर्तमान सुधा से गिरफ्त होती ये गोटे कथा सीधा सड़क भाव में कहु जेहेतु बारंबार ताको ना रे एभली संगीन और सांघातिक अभियोग रोची तो से बर्तमान एनएसए रे बुक करने तड़ीपार करने गोटे प्रकार प्रक्रिया आरंभ कर बर्तमान सुधा आईएसी सहित अधिक आलोचना होता कमिश्नर कहवा कथा हूँ पुलिस कमिश्नर सीधा सड़क भाव में सब आईएसी एसीपी मान सहित आलोचना करदी कौन व्यक्ति सीधा सड़क थाना द्वारस्थ होती से अभियोग कर बटी मागुच निश्चित भाव से गिरफ्त करदी से से बटी जमी जमी प्रकार हो ना कहीं बटी मागुच्च जदि से व्यक्ति जनक पूर्व एकाधिक कार्यकलापर लिप्त अच्छा तो तड़ीपार दरकार पड़े एनएसए बुक तो जेहेतु आप जानते गैंगस्टर राजा आचार्य जहाँ कि क्राइम र तालिका बहुत लंबा अपराधर तालिका बहुत लंबा और आप जानते पूर्व जितेबाला बीरंची हत्याकांड मामलें सुप्रीम कोर्ट रू बेल पाइबापर से थी और 2019 कटक रे गोटे पुराणा मामलें पुलिस उठाई नहीं 110 बुक करता और बर्तमान जेहतु से बाहर थे ना जो अभियोग आसला अभियोग आधार में बर्तमान सुधा गिरफ्त कर गोटे बड़ कथा हूँ जो दादा बटी को ना बोली कहुच्च जो मैंने दादा बटी आदाय कर जो मैंने टंका मागुछन्ति जोर जबरदस्त टंका आदाय करछन्ति से समस्त को तड़ीपार कर समस्त विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सबुठ बड़ कथा हूँ जेकोसी व्यक्ति जितेबाला दादा बटी जहाँ को मगा जाए से निश्चित भाव में डरी जाए और से थाना को जापे ना से पुलिस कमिशनर सीधा सड़क लोक मूँगी जदि ए पब्लिक मैंने सहयोग न करेंगे हुए तो ये लड़ाई से जीति पारे पब्लिक मैंने पुलिस लड़ाई जीति पार ना कि भाव में दादा बटी को ना कह जो मैंने दादा बटी मागुच विरोध में दृढ़ कार्युषान ग्रहण सौभाग्य सहित जो मैंने दादा बटी दौरान जहाँ को धमका जाऊँगी से पुलिस के बाबद जनाती एसएमएस जरिए जनाती व्हाट्सएप जरिए जनाती कि फैक्स जरिए जनाती ना को गोपन रखा सहित से पुरस्कृत तेरे आज बड़ खबर हो राजा को गिरफ्त कर दादा बटी मामल में बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य आपम सूचना आलोचना कर प्रतिनिधि सौभाग्य परिडा जीवा परवर्ती खबर को कोरोना महामारी मुकाबला टीका बाहर करने विश्वर विभिन्न देश उद्यम जारी रखिंटी समय अग्राधिकार भितर 30 कोटी लोक टीका देवाई चिन्हट प्रक्रिया आरंभ कर भारत प्राथमिक भाव 50-70 लाख स्वास्थ्यकर्मी 2 कोटी पुलिस म्युनिसिपल कर्मचारी सेनाबाहन जवान 26 कोटी 50 वर्षरु अधिक वर्षर लोक अधिक संवेदनशील लोकों टीका देवाई व्यवस्था कर 60 कोटी वैक्सीन डोज दिजाई आकलन वैक्सीन व्यवहार पर अनुमति मिलवा पर बुस्टर डोज दिजा वर्तमान देश में 3टी टीकार मानव परीक्षण जारी रही ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिक सहबंधित पुनेर औषध कंपानी सीरम इन्यूट ट्राएल सबुठ आगे रही नवेम्बर शेष किंवा डिसेंबर आरंभ में तृतीय पर्याय परीक्षण तथ्य आसीजी कि ते सरकार को पक्ष सूचना दिया जाए। देश में कमुची कोरोना संक्रमण एवं मृत्युर हार 15 दिन में दैनिक कोरोना संक्रमण एवं मृत्यु को नहीं आसपोर्ट स्पष्ट हो सारी अक्टोबर मासर प्रथम 15 दिन में कोरोना नुआ संक्रमण मामलें 18% ह्रास होता रिपोर्ट में कहु तेज मृत्यु संख्या प्राय 19% ह्रास देखा मिली अक्टोबर मासर प्रथम 15 दिन में देश में 10,55,068 नुआ मामला सामना को अगस्त मास द्वितीय सप्ताह पर 15 दिनिया रिपोर्ट तुलन में सबुठ कम सेप्टेम्बर मासर द्वितीय 15 दिन तुलन में अक्टोबर मासर प्रथम 15 दिन रिपोर्ट में 8.4% ह्रास देखा मिली सेप्टेम्बर 16 तारीख पर देश में यही भाव में कोरोना संक्रमण संख्यार द्रुत ह्रास देखा मिली 15 दिनिया तथ्य को देखने नुआ संक्रमण मामलें 2.9% ह्रास घटी कोरोना मृत्यु संख्यार अक्टोबर मासर प्रथम 15 दिन में पूर्वमास तुलन में ह्रास घटी गत 15 दिन में मात्र 13,474 जन मृत्यु रेकर्ड कर गत 15 दिन में महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली पर राज्य में कोरोना संक्रमण संख्या एवं मृत्यु संख्या रे ह्रास देखा मिली
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛି ବିଏମ୍ସି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ର ସିଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅଫିସ୍ ଚିଠି ସହିତ ବିଏମ୍ସି ସୁପରଭାଇଜର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଆଣିଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରାର ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚିଠି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଏକ ପକ୍କା ଚିଠି ଆଣିଲେ ହିଁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ତଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 15 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ତାହା ବେଆଇନ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଆଇ ରିପିଟ୍ 15379 ଡେଟେଡ୍ 30/6/2020 ଯେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟରେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅଫିସ ରେସିଡେନ୍ସ କଥା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସେ ପାର୍ଟଟା କେବଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେଇଟା ବି 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା 15 ଦିନ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁ ଆକ୍ଟ ପଢ଼ିଲି, ସବୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ପଢ଼ିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ। ସିସିଟିଭିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ। କଟକ ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠରେ କେନାଲ ଭିତରକୁ କାର୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟି ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି କେନାଲ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍କୁର ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଜୋରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି କେନାଲ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ଦେବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜାଗୁଆର ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ଆରାଉଣ୍ଡ 2:30 ହେବ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ରାତିରେ। ଗୋଟେ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସାଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେନାଲରେ ପାଣିଟା, ଗାଡ଼ିଟା ଟୋଟାଲି କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କେନାଲର ପାଣି ବି ଜୋରସେ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଭିତରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ପଶିଲି। ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଲି, ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକ ଜଣେ ଅଛି, ତା'ର ସେ ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପଲଟି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ 2ଟା ହିଁ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ହୋଇପାରିଲେ। ତା'ପରେ 2ଟା ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବି 2ଟା ଭାଇ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଆମେ ପଶିକି ହେଲ୍ପ କଲୁ। ହେଲ୍ପ କରିବାରୁ ବହୁତ ଟଣାଟଣି କରିକି ତାଙ୍କ ସିଲ୍, ଆଜ୍ଞା, 3 ଜଣ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟାକଟି କଲୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ ଲାଗିଗଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଆଉ ନଥିଲେ, ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ। ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଛି ବେଲୁନ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଟାୱାର ତାର। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚାନ୍ଦପୁର ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ବେଲୁନ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଟାୱାର ତାର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ବେଲୁନ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ପକାଇଛି ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ମିଟର। ଆଜି 2196 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 1274 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 922 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 269 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 175, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 104, ଭଦ୍ରକରୁ 80, ଯାଜପୁରରୁ 113, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 94, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 119, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 108, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 140, ଅନୁଗୁଳ 107, ଷ୍ଟେଟ୍ପୁଲୁ 50 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 266,345କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 241,385 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେପରି 23,786 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 74 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ 62,212 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64,63,681କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 837 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଶାଇ ମୋଟ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,12,998କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହୁଛି
7,95,087 चिकित्सा परे सुस्थ होती 65,24,596 एने केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सूचना दी। आरंभ होइसारछि शारदीय पार्वण नवरात्रि अवसर में सारा देश में चलचंचल हो उठिछि शक्तिपीठ और मंदिर। प्रथम दिन में शैलकृति बेश में शक्तिपीठ से दर्शन देउछन्ति मां। कोरोना कटकण भितरे आरंभ होइसारछि नवरात्रि। कोरोना पाई बंद रही विभिन्न मंदिर और शक्तिपीठ किंतु कटकणा कोहल पर कोरोना गाइडलाइन अनुसार एवं यह खुली तेज नवरात्र अवसर में पूजा आरंभ हो। प्रथम दिन में माँ आज शैलकृति बेश में दर्शन देखते उत्सव मुखर परेश कोरोना कटकणा पर गत मार्च मसर समस्त धार्मिक स्थल में लगी कटकणा बर्तमान कोरोना कटकणा कोहल होगापर एवं देश में प्रमुख मंदिर खुलू दिल्ली मुंबई आसाम्रु नहीं कोलकाता पर्यंत सबुठी नवरात्र प्रथम दिन में देवी दर्शन एवं पूजा कर श्रद्धा तेज ए सब भितर कोरोना कटकणा को सबुठ दि जा गुरुत्व नवरात्रि अवसर में ओडिशार विभिन्न शक्तिपीठ गुड़िक आरंभ हो सारी विशेष पूजा अर्चना प्राय 8 मास धरी बंद रहापर खोली मंदिर। नवरात्र अवसर में श्रद्धालु बेश खुशी ब्रह्मपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बुढ़ी ठाकुरानी कटक आराध्य देवी कटक चंडी जगत सिंहपुर माँ सारला जाजपुर विरजा संबलपुर समलेश्वरी काकतपुर माँ मंगला पीठ से प्रस्तुति हो। नवरात्र शक्तिपीठ गुड़िक स्वतंत्र पूजार आयोजन करवकाश अभिषेक माजणा खेचड़ी राजभोग पोखुड़ा आदि विभिन्न रीतनीति अनुसार पूजार्चना होता है। छड़ा नवरात्रि में माँ विभिन्न वेश दर्शन पर श्रद्धा यह नवरात्र समय को ही अपेक्षा करथम दिन में माँ शैलपुत्री बेश दर्शन दे। आजठ आरंभ हो नवरात्रि एक अवसर में देशवासी शुभेच्छा जनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक पावन पर्व अवसर में जगत जननी माँ समस्त जीवन सुख शांति एवं समृद्धि भरी दिंतु कामना करी से ट्वीट कर। नवरात्रि प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री आराधना कराइला तेणु ट्विटर में माँ शैलपुत्री एक मंत्रोच्चारण वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री। आज 9 दिन धरी दशहरा पर्यंत जगत जननी माँ को विभिन्न रूप से आराधना कराए। चंद्रार्धकृत शेखराम नयागढ़ जदुपुर नाबालिका हत्या घटन रास्ता को ओह्लाई जिला कांग्रेस पुलिस विफलता प्रतिवाद में जिला पुलिस मुख्यालय सामने धारणा सहित विक्षोभ प्रदर्शन हत्याकारी को तुरंत गिरफ नचे मामला को क्राइमब्रांच को हस्तांतर दाबी दावीपत्र प्रदान गत जुलाई 14 तारीख में जदुपुर गांव में 5.5 वर्ष शिशु परी गांव दांड में खेलुवा बेले निखोज हो जाता है। 10 दिन पर घर पक्षपटू तार गलित मृतदेह उद्धार कर घटना पुलिस अपराधी को धरीपे विफल होता बेले उल्टी घर लोक बारंबार थाना को डाक हैरान करिवारे लगी। शासक दल चापरे आसी पुलिस अपराधी को धरुनुवा जिला कांग्रेस अभियोग कर तुरंत अपराधी को गिरफ करान कले आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैबे से माने एथिपाई चेतावनी देछथि लालचंद ग्रुप एवं यार प्रतिष्ठाता संजय हंस दुईट विश्वस्तरीय सम्मान जीति ओडिशा को गर्वित कर। संजय को सम्मानजनक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर पक्षर् सम्मानित कर अक्टोबर 15 फ्यूचर ऑफ टेक कांग्रेस पक्षर् आयोजित एक वर्चुअल इवेंट रे संजय को स्टैंड आउट बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर एवं लालचंद ग्रुप को मोस्ट आइकॉनिक बिजनेस ग्रुप ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित कर। संजय हंस दीर्घ तीन दशंधि कठिन परिश्रम और ग्राहकों संतुष्ट को गुरुत्व देवा जो अंतर्जातीय मान्यता मिली। संजय सफलता युव उद्योगी प्रेरणादायी हो शुभेच्छा जनाई कहते बुद्धिजीवी सामाजिक कर्मी और ग्राहक।
ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ଏବଂ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଞ୍ଜୟ ହଂସ, ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏଲ୍ ଭାଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ହଂସଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ମିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ହଂସ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଆଇକନିକ୍ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ଲାଲଚାନ୍ଦ ଗ୍ରୁପ୍କୁ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ ଆୱାର୍ଡ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏଲ୍ ଭାଟିଆ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ CSR ଡେ ୱାର୍ଲଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ମୋ ତରଫରୁ ସଞ୍ଜୟ ହଂସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ସମୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇପୁର କୋର୍ଟ ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।